के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सुबह को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे वाराणसी, श्री काशी विश्वनाथ धाम में किया दर्शन पूजन। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव व राहुल गांधी पर कसा टैग। आमरण अनशन पर बैठे बीएचयू के छात्रों ने बीएचयू प्रशासन और परीक्षा नियंत्रक का फूंका पुतला। रामनगर में मंदिर के छत पर तिरपाल बांधते समय 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। और पाड़िया मंडी गेट नंबर 2 पर पिकअप के धक्के से महिला की हुई दर्दनाक मौत। और अब समाचार विस्तार से। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता के चलते काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धरना दे रहे विद्यार्थियों ने बीएचयू प्रशासन और परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता, परिसर में हरे पेड़ों की धरले से कटाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बीएचयू प्रशासन और परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका। इस दौरान छात्रों ने जमकर प्रशासन विरोधी नारेबाजी की और भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। गौरतलब है कि छात्र 19 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर 17 दिन तक धरना के बाद भी प्रशासन ने छात्रों की सुनवाई नहीं की, तो गुरुवार से उन्होंने केंद्रीय कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि हम पिछले 17 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम बैठकें हुई लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल सका। बात होकर हम लोगों ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। अभी तक किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन जारी रहेगा। जब तक एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा आंदोलन करते रहेंगे। आज मेरे आमरण अनशन का दूसरा दिन है, उसके बावजूद हमसे कोई विद्यालय का कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलने नहीं आया, ना कोई आश्वासन लेकर के आता है। आज UGC के नियमों के खिलाफ जो PhD एडमिशन हमने बताया था कि जिस तरीके जो नेट दिसंबर में पास अभ्यर्थी हैं उनको पहले ही मौका नहीं दिया गया था, आगे भी न देने की बात कही गई है। इन्होंने हवाला दिया था UGC का, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी प्रवेश प्रक्रिया चालू कर चुकी हैं और जो रिजल्ट को लेकर के इन लोगों के बीच मतभेद था वो भी आज क्योंकि गाइडलाइन आ गई UGC की तो वो भी क्लियर हो चुका है। लेकिन पूरी तरीके से विद्यालय प्रशासन मुर्दा हो चुका है, इनको छात्र हितों की कोई सुध नहीं है। ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और आगे भी इसी तरीके से रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग इसी तरह आमरण अनशन करते रहेंगे और मैं विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को वाराणसी पहुंचकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई। सुबह के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। इसके पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत की। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी अब समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, इसका सफाचट होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर व लोगों को गुमराह करके सपा ने सीटें हासिल की हैं। वे लोग दुष्प्रचार करते हैं, उनके पास न मुद्दा है न कोई काम है, वह लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की न तो 2027 में संभावना है और न ही 2029 में कोई संभावना है। वह लोग मुंगेरी लाल की तरह सपने देखते रहेंगे लेकिन हकीकत में वह सफल नहीं होंगे। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी PDA और ब्राह्मणों के नाम पर धोखा दे रही है, यह किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। इनका गुंडों माफियाओं व दंगाइयों से रिश्ता है, वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। यह धोखेबाज हैं, यह धोखा दी है और आगे भी देगी। सपा और कांग्रेस को जो सफलता मिल गई है वो सबसे बड़ी सफलता मिल गई है श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी। राहुल जी अब आने वाला समय उनके लिए जनता सबक सिखाएगी। जनेऊ पहनते हैं फिर भी आप जाति पूछ रहे हैं, लोग जनेऊ दिखाते भी तो हैं, जनेऊ दिखाते हैं देते हैं राहुल जी कभी कभी। ये मैंने कहा ना, मैं तो बोला नहीं हूँ लेकिन अनुराग जी ने जो बोला है उन्होंने केवल इतना कहा था जो जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। तो नाम तो लिया नहीं किसी का, सदन में कार्रवाई लिखी जाती है, जब किसी का नाम लिया जाए तब मिर्ची लगनी चाहिए, लेकिन बिना नाम लिए मिर्ची लग गई तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। पंचवटी मार्ग स्थित श्री राम जानकी मंदिर की छत पर तिरपाल बांधते समय 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। रामनगर थाना क्षेत्र के पंचवटी मार्ग पर स्थित श्री राम जानकी मंदिर के छत पर तिरपाल बांधते समय 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम राम प्रसाद कनौजिया उर्फ छोटक बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि राम प्रसाद सुबह पंचवटी मार्ग स्थित मंदिर की छत पर तिरपाल लगा रहा था, तभी लोहे की पाइप तार से टकरा गई जिससे करंट उतरने से वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी तत्काल मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव सड़क पर रखकर जाम करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मृतक की पत्नी गुड़िया ने बताया कि मेरे पति सुबह घर से जल्दी निकले थे कि मंदिर पर टेंट लगाना है, लेकिन हमें क्या पता था कि प्रभु मेरे ही पति को हमसे दूर कर देंगे। मृतक की 3 लड़कियां हैं, पूरे परिवार का खर्च व टेंट का काम करके उठाते थे।
इसका कंप्लेंट 15 दिन से किया गया है। मंदिर के बाबा जी आए थे यहाँ पे तो बताए हैं, बिजली विभाग सुना नहीं। अगर ये खम्भा ठीक हो जाता तो आज ये घटना नहीं होती, क्योंकि उठने के बाद छत से वो काफी दूर पे आप देख सकते हैं, तो काफी दूर पे वो खम्भा आ जाती कार, तो आज उसकी जान बच जाती और उसका परिवार। कितने दिन से खम्भा गिरा हुआ है? ये आज लमसम 10 दिन हो गया, 10 दिन से ये खम्भा गिरा हुआ है। अभी तक बिजली विभाग नहीं आई है और इतना बड़ा घटना के बाद भी बिजली विभाग नहीं आई अभी तक। पौड़िया मंडी में माल लादने के लिए मंडी में आए हुए पिकअप की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत पहाड़िया मंडी गेट नंबर 2 के अंदर पिकअप जिसका गाड़ी नंबर UP67AT9018 था, माल लादने के लिए मंडी में आया हुआ था। गाड़ी के ड्राइवर द्वारा गाड़ी बैक करते समय पीछे खड़ी महिला उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कलावती देवी पत्नी झांगुर राम उम्र 52 वर्ष चौबेपुर की निवासी थी। मृतक का चौबेपुर में फल की दुकान है। वह फल लेने के लिए महिला पहाड़िया मंडी आई थी। ड्राइवर विकास जो चंदौरी का रहने वाला है वो सामान लादने पौड़िया गेट नंबर 2 पर आया हुआ था। गाड़ी पीछे करते समय महिला गाड़ी के पहिए के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन थाने पहुंचकर तहरीर दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। पीछे कर रहा था, उसको धक्का लगा, धक्का गाड़ी गिर गया उसके अंदर, पीछे किया सर फट गया, चल गया सर के ऊपर गाड़ी चल गई जी। मतलब कैसे घटना हुआ, कहां से दादी आ रही थी? घर जा रही थी, धक्का लगा और नीचे गाड़ी चली गई, उसके बाद पीछे करने लगा उसका सर पर, सर पर रखी तो उनको दिखा नहीं और ये बड़े रफ्तार में पीछे। आप यहाँ के क्या है? दुकानदार पल्लेदार ही पल्लेदार यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमायुक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम योगा ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं गड़वाघाट रमन वाराणसी, फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फोन नंबर 9554963194 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109711। सच के साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे द्वारा पर्यावरण की रक्षा सभी का नैतिक दायित्व के संदेश के साथ पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई गई। पर्यावरण की रक्षा सभी का नैतिक दायित्व है का संदेश देकर शुक्रवार को सावन के शिवरात्रि के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। सैकड़ों श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि स्वस्थ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प लेना होगा, स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। श्रद्धालुओं कपड़े के झोले वितरित करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती तख्तियों के माध्यम से संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि पर्यावरण हमारी अमूल्य निधि है, यदि हम जागरूक होंगे तभी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हानिकारक तत्वों से इसको दूर रखेंगे। पर्यावरण के दुष्परिणाम स्वरूप ही जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से बेमौसम वर्षा और बाढ़ आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुरुष और प्रकृति की समानता से संसार में संतुलन होता है। पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होने से ही सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही मंतव्य है। शिव पुरुष के प्रतीक है तो पार्वती प्रकृति की। पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन न हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भलीभांति संपन्न नहीं हो सकता है। शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव जी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। श्रावण की महाशिवरात्रि का दिन है और हमने यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में लोगों के समक्ष पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई है। कांवरिया बंधुओं को पॉलिथिन जो लिए हुए थे उनसे हटा करके कपड़े का झोला भी दिया है, पौधे लगाने के लिए भी आग्रह किया है और गंगा निर्मलीकरण का भी गुहार लगाई। श्री देवगुरु सरस्वती जी का दूसरा जल विहार श्रृंगार के साथ दिव्य झांकी का आयोजन गुरुवार को किया गया। श्रावण मास में 1 अगस्त गुरुवार को श्री देवगुरु सरस्वती का दूसरा जल विहार श्रृंगार किया गया, जिसमें बाबा के दिव्य झांकी का आयोजन किया गया। बाबा देवगुरु सरस्वती को जल विहार करते हुए सपरिवार विराजमान किया गया। तत्पश्चात देवगुरु सरस्वती का पंचामृत स्नान कराते हुए 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से पूजा किया गया।
स्वर्ण मुखौटा, छत्र, चांदी व शेषनाग के साथ बाबा को पालने पर विराजित किया गया। मुख्य द्वार से लेकर परिक्रमा स्थल से लेकर गर्भगृह तक अशोक की पत्ती, कामनी की पत्ती, रुई, थर्मोकोल, रंग बिरंगे कपड़े और विद्युत झालरों से पूरे प्रांगण को सजाया गया एवं सायंकाल 7 बजे से मध्यरात्रि तक भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, जिसमें वाराणसी और बाहर कलाकारों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती, अजय गिरी एवं शयन रात्रि 1 बजे संपन्न कराया गया। संतोष गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया। अभिषेक गिरी, अक्षय गिरी द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशिंदु विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशिंदु विश्वविद्यालय स्थित निदेशक कार्यालय के समिति कक्ष में निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। 16 मई 2024 को संस्थान में निदेशक पद संभालने के बाद अब तक के कार्यकाल के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा किया। इस अवसर पर अधिष्ठाता छात्र कार्य प्रोफेसर राजेश कुमार, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर सुशांत कुमार श्रीवास्तव, प्रेस एवं प्रचार समिति के अध्यक्ष संयुक्त कुल सचिव स्वाति विश्वास एवं समिति के सदस्य सहायक कुल सचिव सुधांशु शुक्ला उपस्थित रहे। संस्थान में निदेशक पद संभालने के बाद निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने विभागों का दौरा किया, विभाग के स्ट्रेंथ और वीकनेस की जानकारी ली, क्या क्या विभागों में सुधार की आवश्यकता है। हर फैकल्टी की अपनी लैब है, वे सभी स्वयं रिसर्च करते हैं और अपने स्टूडेंट से भी रिसर्च करवाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। कई विभागों के भवन हेरिटेज भी हैं, जैसे माइनिंग, मेटलर्जिकल विभाग, कई लैब बहुत अच्छे हैं। छात्र लैब में क्रेन, फर्नेस आदि द्वारा ट्रेनिंग लेकर बिल्कुल ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसा फैक्ट्री में दिखेगा। संस्थान के कई विभाग बहुत यूनिक भी हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, सिरामिक, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन्होंने देश को काफ़ी एकेडमिक लीडरशिप प्रदान किया है। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि BHU से IIT का IIT में परिवर्तन हुए मात्र 12 साल ही हुए हैं। IIT इसलिए बनाया गया है ताकि टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आज तकनीक इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है कि अगर इसके साथ हम नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे। हमें तेज काम करना होगा, लैब को और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करना जरूरी है। इसके लिए मंत्रालय से भी बात हुई और उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि देश की टॉप 5 IIT को छोड़ दिया जाए तो IIT BHU में संसाधन सुविधाएँ भरपूर है। क्षमता के आधार पर देखा जाए तो रैंकिंग में जरूर पीछे हैं, मगर इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। इलेक्ट्रॉनिक एरिया में चिप डिज़ाइन में हम बेहतर काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में अभी 6G पर अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। AI में अपार संभावनाएं हैं। अल्मुनाई भी इसे खास तौर पर जोर दे रहे हैं। कई कंपनियां भी इससे जुड़ रही हैं। ई मोबिलिटी एवं बायोमेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पहल भी की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि छात्रों की संख्या कम है, अभी फैकल्टी की संख्या 360 है। अगले 3 वर्षों में लगभग 300 और फैकल्टी की भर्ती करने का लक्ष्य है। योजना जैसा है तो पहले तो CCTV लगाया जाएगा, उसका प्रॉपर नेटवर्किंग पूरा कम ये सब लगेगा, तो कोई सारी इम्पोर्टेंट जगह में उसका फीड आते रहेंगे, जैसा कि चीफ प्रॉक्टर्स ऑफिस, ऐसे भी बताया डायरेक्टर ऑफिस में भी एक फीड आनी चाहिए। तो कोई भी कभी भी ज़रूरत है हम देख सकते हैं और सबको भी पता चलेगा, हाँ ठीक है फीड डायरेक्टर पास के पास भी जा रहा है, तो वो करेंगे। और उसके ऊपर क्या करेंगे, वो जो इमेजेस होता है, वीडियोस होता है ना, वीडियोस के ऊपर उसको सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर करके एक सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर हमारे फैकल्टी स्टूडेंट्स में मिलकर लिखेंगे। थैंक यू सर। ये अलर्ट सिस्टम इसका चलेगा, इसमें कुछ अलर्ट आपको वही होगा ना, तो वीडियो में अभी क्या है, देखिए रात में रात 2 बजे एक जगह एक रास्ते के कोने पर नॉर्मली वी डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्टिविटी, लेकिन कुछ एक्टिविटी आ गया, मतलब एक पंछी भी उड़ रहा है तो अलर्ट को आ जाएगा उसके। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा आशीर्वाद पार्क गुरुधाम में एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के सामने स्थित आशीर्वाद पार्क में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा
एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया। मुख्यातिथि के रूप में भेलूपुर के पूर्व सभासद अशोक मिश्रा ने पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत पार्क में कई लाभकारी और फलदायी पौधे जैसे आम, अमरूद, नीम, जामुन, अशोक, सहतूत, बेल, आंवला, गुड़हल, कचनार, पीपल, बरगद आदि के पौधे लगाए गए। संस्था के अध्यक्ष ममता ने पार्क में उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि हम सभी की यह प्राथमिकता और जिम्मेदारी है कि अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त तथा ऑक्सीजन युक्त बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं और इनका संरक्षण भी करें, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ जीवन यापन कर पाएगी। संस्था के मोहम्मद अनीश और विजय कुमार ने पार्क में उपस्थित लोगों को पौधे भी बांटे। इस अभियान में क्षेत्र की आशा बहुएं सोनी मौर्य, साधना देवी, लक्ष्मी देवी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेलूपुर वार्ड में पीएम ऑफिस के ठीक सामने जो कार्यालय है उनका, उसके सामने एक पार्क है, तो यहाँ पे पर्यावरण यानी को देखते हुए, उसके संरक्षण को देखते हुए यहाँ पे पौधरोपण अभियान किया गया है। जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बारिश भी कम हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ भी रहा है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारी संस्था की पूरी टीम आज मिल करके और क्षेत्रीय लोगों के साथ इस प्रांगण में, इस कैंपस में पूरा पौधरोपण किया है। और इसके अलावा यहाँ पे आज जामुन के पौधे, बेल के पौधे और अशोक के पौधे हो गए, इमली के पेड़ हो गए, आम के हो गए, यानी फलदायी और लाभकारी पौधे जो भी हैं वो आज यहाँ पे लगाए गए हैं। और हम सबका एक उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होना चाहिए और इसमें शुद्ध वातावरण की, जिसको कह सकते हैं ये कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको शुद्ध करने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो आज यहाँ पे सबको बताया भी गया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और जहाँ पे स्थान मिले वहाँ पे पौधरोपण अभियान करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।